हेलो फ्रेंड्स, टुडे इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट द ऑडिट ऑफ सिनेमा हॉल। उससे पहले एक छोटी बात बताना चाहता हूँ, आप सबके कमेंट्स देखे मैंने पिछले वीडियो पे, तो बहुत अच्छा लगा, बहुत इंकरेजिंग फील हुआ, तो थैंक यू सो मच टू ऑल। सो मेरा नाम है अनिकेत कदम और आप सबका स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। तो चलो शुरू करते हैं। सो एज यू विल नोटिस, सम पॉइंट्स आर कॉमन इन ऑल स्पेशल ऑडिट्स। तो देखते हैं कौन से कॉमन पॉइंट्स हैं। सबसे पहले लीगल स्टेटस चेक करिए, वो कंपनी है, पार्टनरशिप फर्म है, इंडिविजुअल है या ट्रस्ट है। उसके हिसाब से आपको चेक करना है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, पार्टनरशिप डीड या उसका जो ट्रस्ट है उसका एक्ट आपको चेक करना है। क्यों चेक करना है? उसके जो इम्पोर्टेंट प्रोविजन है जो ऑडिट के अकाउंट्स को इफेक्ट करने वाले हैं, इसलिए आपको उसका रिस्पेक्टिव मेमोरेंडम्स आपको चेक करना है। उसके बाद मिनट्स ऑफ मीटिंग आपको चेक करना है, किन के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स या मैनेजिंग कमिटी के, उस पे से आपको इम्पोर्टेंट डिसीजंस पता चलेंगे जो अपने अकाउंट्स को इफेक्ट कर रहे हैं। उसके बाद आपको अकाउंटिंग सिस्टम एंड इंटरनल कंट्रोल चेक करना है, उससे आपको पता चलेगा कि कितने एक्सटेंट तक आपको ऑडिट प्रोसीजर कंटिन्यू करना है। उसके बाद आपको चेक करना है कि पास्ट ऑडिट रिपोर्ट अच्छे से प्रिपेयर हुए हैं या नहीं, उसमें कुछ फ्लॉज है या उसमें से कुछ आसानी हो सकती है क्या हमें इस ईयर की ऑडिट रिपोर्ट बनाने में। उसके बाद आपको लिस्ट ऑब्टेन करना है बुक्स ऑफ अकाउंट्स के और ऑथराइज्ड ऑफिशियल्स के जो आपको ऑडिट प्रोसीजर्स में हेल्प होने वाले हैं। उसके बाद आपको वेरीफाई करना है जो सिनेमा हॉल में एंट्री है वो ओनली प्रिंटेड टिकट से हो रही है या नहीं। तो उसके बाद आपको वेरीफाई करना है कि कितने टिकट्स इशू हो रहे हैं अवेलेबल सीट्स के हिसाब से और इन रिस्पेक्ट ऑफ ईच क्लास। तो ये तो बहुत माइन्यूट छोटी छोटी सी चीज़ें हमने देख ली। उसके बाद हमें देखना है कुछ डिटेलिंग में। तो सबसे पहले आप वेरीफाई करो स्टॉक ऑफ टिकट्स कि वो रिस्पॉन्सिबल पर्सन के पास रखा है या नहीं, या किसी भी एरे गेरे के पास रखा है जिससे फ्रॉड होने के चांसेस भी बढ़ सकते हैं। उसके बाद आपको देखना है कि एंटरटेनमेंट टैक्स कलेक्ट हो रहा है या नहीं और उसको प्रॉपर अथॉरिटी के पास डिपॉजिट किया जा रहा है या नहीं टाइम पे। उसके बाद आपको वेरीफाई करना है कैश कलेक्टेड थ्रू टिकट्स, किसके रेफरेंस से आप वेरीफाई करोगे, जो आपके पास कैश बुक अवेलेबल होता है उसके रेफरेंस से आप वो चेक करोगे कैश कितना आ रहा है रोज और कौन से पर्पस के लिए इशू भी हो रहा है, डेबिट साइड और क्रेडिट साइड को रेफरेंस में लेके। After that, you have to verify the daily statements of the tickets issued for the different show and for the different class. चलो ये भी कर लिया। तो आप मूवी को जाने के बाद मुकेश की एड तो जरूर देखने होंगे। तो you have to verify that also that proper charges are collected from them for each slides with reference to कौन सा reference लेंगे हम उसका collection के लिए, उसका verification के लिए। So you will take in reference the register of slides, shots exhibited kept at the cinema hall, agreement entered with the advertisers. ये सब आपको verify करना है, जो advertisement आप अपने cinema hall में बता रहे हो उसको verify करने के लिए। The next point is depreciation, अपना favorite, कौन सा भी special audit आ जाए उसमें हमें ये लिखना ही लिखना है। तो depreciation on machinery and furniture, वो अच्छे से charge हो रहा है या नहीं appropriate rate पे। अरे अनिकेत appropriate rate क्या है, मैं कुछ भी लगा दूंगा मन से। नहीं बॉस, ऐसा नहीं चलता है। आपको एक कंपेरिजन करना है अदर बिजनेस के साथ जो सेम लाइन ऑफ बिजनेस कैरी कर रहे हैं, उनका अप्रोप्रिएट रेट ले सकते हैं आप। चलो अनिकेत ये भी कर लिया। उसके बाद वाउच करिए फिल्म हायर पेमेंट, जो हमने प्रोड्यूसर डायरेक्टर्स के साथ एग्रीमेंट किया होगा उनको पेमेंट अच्छे से हो रहा है नहीं, डिस्ट्रीब्यूटर्स के साथ जो पेमेंट्स हुए हैं उसके बिल वेरीफाई करिए, वाउच करिए और अदर प्रोसेस एग्रीमेंट्स हो सकते हैं जो सिनेमा हॉल्स के साथ, वो भी आप अच्छे से वाउच कर लीजिए। चला निकेत हे पण करून घेतला, आता पुढे सांग काय करायचं। ये देखो दोस्तों, दिस इज द लास्ट स्लाइड, तो प्लीज़ कीप अटेंशन एंड अभी तक लाइक नहीं किया है वीडियो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए बॉस। वीडियो खत्म होते आ रहा है, अभी तक पसंद नहीं आया तो कमेंट भी कर दीजिए क्या पसंद नहीं आया। तो चलो लास्ट स्लाइड देखते थे। अनएडजस्टेड बैलेंस आउट ऑफ द एडवांस पेड टू द डिस्ट्रीब्यूटर्स, हमने डिस्ट्रीब्यूटर्स को कुछ एडवांस में पेमेंट किया है तो वो भी देख लीजिए कि वो गुड एंड रिसीवेबल है क्या नहीं, मतलब वो पिक्चर चल रही है या नहीं या फालतू में हम उसको दिखा रहे हैं। उसके बाद हमने कोई पिक्चर दिखा दी है और वो चली भी गई है और उसका एडवांस अभी तक सेट ऑफ नहीं किया है हमने बुक्स ऑफ अकाउंट में, भाई वो क्यों दिखा रहे हैं बुक्स में यार, उसको राइट ऑफ कर दीजिए, वो भी हमें देखना है और वाउच करना है। और उसके बाद हमें मैनेजमेंट को बोलना है भाई ये पिक्चर के पैसे तो हम रिकवर नहीं करने वाले, फ्लॉप गई है पिक्चर, तो इसका जो लॉस है ना उसका प्रोविजन बना दो आज द मैनेजमेंट, वो भी पॉइंट पढ़ लो अभी। वाह रेस्टोरेंट इनकम,
यार बहुत महंगा रहता है यार वहाँ पे। चलो अभी वाउच तो करना है ना हमें, तो उसका कोई ऑप्शन नहीं है। तो उसके बाद हमें देखना है कि अरेंजमेंट क्या है हमारे रेस्टोरेंट के साथ, कैसे कलेक्शन करते हैं, मंथली या एनुअली, क्योंकि कलेक्शन होता है उनका, और कलेक्शन एक लमसम अमाउंट भी हो सकती है और एक परसेंट में हम उनसे पेमेंट कलेक्ट कर सकते हैं। और अगर हम खुद ही वो रेस्टोरेंट चला रहे हैं तो उसका अकाउंट चेक कर लीजिए। और उसके बाद हमें ऑडिट करना है बहुत सारे सेल्स का, जैसे फूडस्टफ्स, परचेस ऑफ फूडस्टफ्स, कोल्ड ड्रिंक्स, ये सब का ऑडिट हमें देखना है। उसके बाद हमें देखना है कि जो एडवांस बुकिंग हुई है शोज़ के लिए अगले फाइनेंशियल ईयर के लिए, क्या वो ढंग से मेंशन की गई है या ढंग से अकाउंट की गई है या नहीं। और लास्ट चीज़ जो है, एसेट और लाइबिलिटीज़ अच्छे से कैरी फॉरवर्ड किए गए हैं या नहीं। तो दोस्तों, आपको बेनिफिट हुआ है इस वीडियो से तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, और कुछ गलती हो गई है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर दीजिए, और आपके फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर दीजिए जो आपके साथ एग्ज़ाम्स में अपीयर होने वाले हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। एज आई ऑलवेज से, कीप स्माइलिंग, स्टडी हार्ड, बाय बाय।